राजेश शर्मा, आज हम बात करेंगे चक्रास के ऊपर। इस चक्रा सीरीज में आपको एक एक चक्र के बारे में एक एक वीडियो मिलेगा, क्योंकि मैं छोटे वीडियो बनाता हूँ, कम समय में ज़्यादा ज्ञान मिले आप लोगों को, ज़्यादा लंबा ना बना के, क्योंकि लोग ज़्यादा लंबा देखने से प्रॉब्लम होती है किसी को, इसलिए छोटे छोटे वीडियोज आप देखें। और आज हम बात करेंगे हमारे फर्स्ट चक्रा की। जो पहला चक्रा हमारा होता है वो होता है रूट चक्रा, स्पाइन के बिल्कुल इंड में होता है। इसका कलर लाल होता है, ये लाल रंग का होता है। इस पे प्रॉब्लम क्या होती है, इससे रिलेशन क्या होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे प्रॉब्लम, जैसे ये आपकी स्टेबिलिटी का सूचक है, आपकी स्थिरता का, आप कहाँ पे स्थिर हो, स्टेबल हो, नहीं हो, ये उसका सूचक है। ये तो बिजनेस से रिलेटेड आपकी बात होगी, आपकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, फियर, एंजाइटी, कई प्रकार के डर होते हैं, जैसे कई प्रकार के डर, जरूरी नहीं कि आपको भूतों से डरना है, प्रेतों से डरना, डर ऐसे भी होते हैं, जैसे आप इस चीज को समझेंगे कि डर एक ऐसी भी चीज होती है कि कल की चिंता, शोक, कल की चिंता, कल मेरे पास ये होगा नहीं होगा, मैं वहां जाऊंगा, मेरा काम बनेगा नहीं बनेगा, ये सब रूट चक्र के ब्लॉकेज की वजह से होते हैं। रूट चक्र का ब्लॉकेज निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहली बात तो रूट चक्र के ब्लॉकेज के लिए मेडिटेशन ज्यादा से ज्यादा करें और लम का चैंटिंग करेंगे। खास करके हम अपने वीडियोस में हम कुछ डिवाइन लाइट से संजीवनी शक्ति मांग के और आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, तो हमारा वीडियो देख के भी आप इसके साथ मेडिटेशन कर सकते हैं, तो आपका रूट चक्र बैलेंस हो जाएगा। रूट चक्र आपको खोलना नहीं है ना बढ़ाना है, सिर्फ बैलेंस करना है, आपके लाइफ से काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, आपकी लाइफ में स्थिरता आ जाएगी और काफी चीजें आपकी सॉल्व हो जाएंगी, फियर खत्म हो जाएगा, एंजाइटी खत्म हो जाएगी। रूट चक्र पे स्पाइन के एंड में बिल्कुल ध्यान लगाएंगे, इससे और बॉडी रिलेटेड क्या प्रॉब्लम आती है, रूट चक्र के ब्लॉकेज होने से आपकी टांगों में दर्द रहता है, पैरों में दर्द रहता है, गांठों में दर्द रहता है, इसके एरिए से लोअर बैक में दर्द रहता है, पाइल्स जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है, ये आपके हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। इन सबको ठीक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये चक्र आपको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक लम मंत्र का चैंटिंग करें, स्पाइन के एंड में ध्यान लगाएंगे और लाल कलर को देखते हुए आंखें बंद कर लेंगे। मुद्रा आप कोई भी ले लेंगे, आप ध्यान मुद्रा बना सकते हैं, ज्ञान मुद्रा, कोई भी मुद्रा बना के आप ठीक आसन में बैठ जाइए, जैसे आप बैठना चाहें, नहीं बैठ सकते हैं तो आप लेट के भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इससे, फिर भी आप बैठ जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, एक योग के तरीके करें। आप नहीं भी कर सकते तो सिर्फ और सिर्फ इस ऑडियो को सुने, कान में हेडफोन लगा कर सुने और वीडियो को देखते रहें। लम Thank you.
इसमें नॉर्मल चैंटिंग नहीं करनी है, एक तो पूरी सांस खींचेंगे और ऊपर से जब लम बोलते हैं तो पेट पे झटका लगना चाहिए, पेट के ऊपर झटका लगना चाहिए, लम ऐसे झटका लगना चाहिए अपनी बॉडी पे, झटके के साथ फिर सांस के आखिरी दम तक, सांस के आखिरी दम तक, बिल्कुल आखिरी दम तक करते जाएंगे आप, ज्यादा नहीं बस 21 बार इसको चैंटिंग कीजिए और बॉडी में अपनी एनर्जी देखिए। अच्छा लगे तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, और कोई भी क्वेरी हो आपकी तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कुछ भी पूछना हो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे खुद के नंबर पे, आपको नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। धन्यवाद।